नारायणपुर का प्रतिनिधि, जिसको कि अतिक्रमण हटाने का अधिकार है, अतिक्रमण हटाना चाहिए, उसके बजाय खुद ही जमीन पर कब्जा कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि बाढ़ ही खेत को खा रही हो। प्रशासन भी इनसे मिला हुआ है, कहता है कि SDO से, तहसीलदार से, सबसे मिल करके और ये गैर मुमकिन जो नदी है इस पर कब्जा कर रहा है, दुकानें 20-30 दुकानें बना रहा है, करोड़ों रुपए इसमें डकारेगा, ये कैसे होने देंगे। मैं जिंदा दिल इंसान हूँ, मैं ये सवाल ही पैदा नहीं हो कि ये दुकानें यहाँ चल जाएंगी। मैं आज जा रहा हूँ, कलेक्टर से बात करूँगा और कलेक्टर संतोष पर जवाब नहीं देगा तो मैं यहाँ धरना और प्रदर्शन करूँगा। पर ये गैर मुमकिन जो नदी है इसकी ज़मीन पर कब्जा नहीं करने दूंगा इनको किसी भी सूरत में। बहुत घटिया बात है, गरीबों को मदद करनी चाहिए, गरीबों की पशुओं की चारागाह और सरकारी ज़मीन पर कब्जा करा रहा है। ऐसे इसने तहसील भवन पर भी कब्जा करने का प्रयास किया था, वो तो मैंने लगा तो कलेक्टर ने उसको रुकवाया, लेकिन चार द्वारी आज तक नहीं बढ़ा पाई। ये कैसा प्रशासन, इसमें जनप्रतिनिधि या कि सरकार और अधिकारी सब मिले जुले हैं। मैंने इस संबंध में SDO से 6 बार बात की होंगी, कलेक्टर से बात की होंगी, पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो मुझे ये कड़ा कदम उठाना पड़ेगा कल से, अगर ये काम नहीं इन्होंने रोका तो फिर इसकी जिम्मेदार सरकार होगी।